दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की टीम के चैंपियन बनने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैंपियन बनने के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने दिया विराट कोहली को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में दिल्ली के सामने बेंगलोर की टीम ने जीत दर्ज करते हुए चैंपियन बनने का कार्य किया है, जिसके बाद आरसीबी के खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। इस बीच एलिस पेरी, श्रियंका पाटिल, सोफी मेलेनिक्स से लेकर रेणुका सिंह ठाकुर, स्मृति मंधाना ने एक ऐसा बयान जीत के बाद जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार आरसीबी के खिलाड़ियों ने चैंपियन बनने के बाद क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आरसीबी के चैंपियन बन जाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और बेंगलोर की टीम के बीच फाइनल मैच आज खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन ऑल आउट होकर 18.3 ओवर में बनाए और इसका पीछा कर बेंगलोर की टीम मैच को जीत गई और पहली बार चैंपियन बन गई, जिसके बाद बेंगलोर के तमाम खिलाड़ियों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया है, जिसमें 4 विकेट लेने वाली श्रियंका पाटिल ने बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी आरसीबी की टीम चैंपियन बन चुकी है, जिसको देख मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारी आरसीबी की टीम ने चैंपियन बनते हुए पुरुष टीम की कमी को पूरा कर दिया है और इस मैच में अगर हमारी टीम को जीत मिली है उस जीत को हम विराट कोहली को समर्पित करने वाले हैं, क्योंकि पुरुष टीम से पहले हम चैंपियन बने हैं, जिनको देखकर हर कोई खुश है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली के लिए हम इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम पूरा कर चुके हैं, ऐसे में ये जीत विराट कोहली के लिए समर्पित है। तो वहीं तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि आज बेंगलोर की टीम चैंपियन बन गई है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बेंगलोर की टीम के खिलाड़ियों ने विराट कोहली के लिए पूरे टूर्नामेंट को खेला है और विराट कोहली के लिए ही इस मैच में जीत दर्ज करने की कोशिश की है, ऐसे में इस मैच में जीत को हम विराट कोहली के लिए समर्पित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पुरुष टीम कभी भी आईपीएल नहीं जीती है, ऐसे में इस जीत के साथ पुरुष टीम के लिए भी उत्साह का माहौल बन दिया है और इस जीत को हम आखिरकार पुरुष टीम के साथ विराट कोहली के प्रति समर्पित करते हैं। तो वहीं ऑलराउंडर एलिस पेरी ने बयान देते हुए कहा कि हमारी बेंगलोर की टीम ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया है, सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एकजुट होकर टीम को फाइनल तक पहुंचाया और अब एकजुट होकर फाइनल में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते हमारी टीम फाइनल में चैंपियन बन गई है, ऐसे में हमारी टीम के चैंपियन बन जाने से मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी बेंगलोर की टीम चैंपियन बनी है, उसमें जितना हमारा योगदान है उतना ही बेंगलोर की पुरुष टीम का योगदान है, ऐसे में अगर हमारी टीम में जीतने में कामयाब हुई है तो उस वजह से ये जीत विराट कोहली को मैं समर्पित करती हूँ। तो वहीं मैच को पलटने वाली सोफी मेलेनिक्स ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में हमारी बेंगलोर की टीम काफी ज्यादा पीछे चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम के लिए मैंने वापसी का दरवाजा खोला उसको देख मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आज के मैच में अगर मेरी तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद मैच में बेंगलोर की टीम हार जाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हम पूरी टूर्नामेंट की विराट कोहली के लिए खेल रहे हैं और विराट कोहली के बिना हम इस बेंगलोर की टीम का हिस्सा भी नहीं हो पाए, क्योंकि विराट कोहली ने इस टीम को काफी ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है, ऐसे में इस जीत के पीछे भी विराट कोहली का हाथ है जो उन्हें अब समर्पित है। तो वहीं स्मृति मंधाना ने बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम की कप्तानी करते हुए मैं काफी ज्यादा खुश हूं, हालांकि पुरुष टीम 16 साल से इतिहास में कभी भी चैंपियन नहीं बनी है, लेकिन हमारी टीम दूसरी ही बार में चैंपियन बन चुकी है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि बेंगलोर की टीम चैंपियन बने, हालांकि पूरे टूर्नामेंट हम विराट कोहली के लिए खेले थे आखिर, क्योंकि विराट कोहली पूरी कोशिश करने के बाद भी अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी टीम को जीत मिली है तो इस जीत को हम विराट कोहली को समर्पित करते हैं, क्योंकि विराट कोहली के बेंगलोर की टीम को हरा पाना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आरसीबी के चैंपियन बनने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फाइनल की घड़ी में पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सोफी मोलिनी के साथ मिलकर स्मृति मंधाना ने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली को खून के आंसू रुलाते हुए 16 साल बाद लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे फाइनल के मंच पर बेंगलोर ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से दिल्ली को किया घुटने टेकने पर मजबूर, कैसे स्मृति मंधाना और सोफी की कातिलाना बल्लेबाजी से बेंगलोर बनी पहली बार आईपीएल की चैंपियन, इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मंधाना, पेरी और शेफाली वर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। शुरुआत तो टीम को अच्छी मिली, लेकिन सोफी मेलेनी और श्रियंका पाटिल और आशा शोभना की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रनों पर ऑल आउट हो गई और दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक ग्रंथ शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 छक्के की
मदद से 44 रन बनाए। वहीं कप्तान मैग लैनिंग ने 23 गेंद पर 23 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। इस छोटे लक्ष्य को देखकर तो यही लग रहा था कि बैंगलोर की टीम आज लंबे समय बाद आईपीएल का खिताब जीत कर इतिहास रचने वाली है। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सोफी डिवाइन ओपनिंग, ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी, बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई मैरियाना कैप के ओवर की तीसरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को खाता खोला, बल्कि तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 5 रन बटोर लिए, बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने आई कैप्सी की शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपने इस ओवर में केवल 3 रन दिए, एक भी बाउंड्री लगाने नहीं दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखी हुई थी। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आई शिखा पांडे भी बैंगलोर के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही थी। उन्होंने भी इस ओवर में केवल 3 रन दिए। बैंगलोर की टीम 3 ओवर में केवल 11 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में मंधाना बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगी। मैरिजा ने कैप की पहली गेंद पर मंधाना ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल खेलने लगे और इस ओवर में 7 रन बटोर लिए। बैंगलोर टीम का स्कोर 4 ओवर में 18 रन पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रही थी। 5 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 20 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद 6 ओवर फेंकने आई एक बार फिर मैरिजा ने कैप की तीसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने शानदार चौका जड़ दिया। बैंगलोर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर धमाल मचा रहे थे। 7वें ओवर में तो इन दोनों बल्लेबाजों का जबरदस्त कारनामा देखने को मिल रहा था और यहीं पर राधा यादव की पहली गेंद पर डिवाइन ने बेहतरीन चौका जड़ा। उसके बाद भी डिवाइन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वीं गेंद पर डिवाइन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। इस ओवर से डिवाइन ने 18 रन बटोर लिए। बैंगलोर टीम का स्कोर 7 ओवर में बिना किसी विकेट पर 43 रन बनाकर बन चुका था। स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों खिलाड़ी लंबे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने इशिखा पांडे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर डिवाइन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की वापसी कराई। 53 रनों के स्कोर पर बैंगलोर को पहला झटका लग गया, लेकिन स्मृति मंधाना मैदान पर टिकी हुई थी और उनका साथ देने के लिए टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एलिस पेरी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 56 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था बैंगलोर की टीम बड़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लेगी। बैंगलोर के सभी बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर मैच का पूरा रुख पलट दिया और फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जीत लिया और इसी के साथ दूसरे सीजन में बैंगलोर में ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। स्मृति मंधाना बेहद खुश नजर आई। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बैंगलोर की जीत पर खुश हो रहे थे। बैंगलोर का खेमा पूरी तरह खुशी से झूम रहा था, मानो एक बार फिर हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही हो। इस अंदाज में बैंगलोर की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, बैंगलोर फैंस का सालों पुराना सपना साकार हुआ। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? क्या महिलाओं की तरह विराट कोहली भी अपने क्रिकेट टीम को इस बार आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हरा कर रचा इतिहास। स्मृति मंधाना की कप्तानी में बैंगलोर को मिली वुमेन प्रीमियर लीग की पहली ट्रॉफी, तो आखिर कैसे बैंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर में हरा कर किया कभी ना भूलने वाला ये कारनामा? कैसे बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हराया? कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने मारी बाजी? 16 साल बाद लीग की ट्रॉफी जीतकर बैंगलोर की टीम ने इतिहास के पन्नों में दर्ज किया अपना नाम। ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के आगे जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। शुरुआत तो टीम को अच्छी मिली, लेकिन सोफी मलिनी और श्रियंका पाटिल और आशा शोभना की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक ग्रोथ शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 44 रन बनाए और वहीं कप्तान मैग लैनिंग ने 23 गेंद पर 23 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं
नहीं कर पाया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अपनी टीम के स्कोर को शुरुआत में ही तेजी से आगे बढ़ा रही थी। पहले ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 5 रन बटोर लिए, उसके बाद भी मंधाना का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया था। मैदान पर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। धीरे धीरे बेंगलोर की टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी। बेंगलोर टीम का स्कोर 4 ओवर में ही 18 रन हो चुका था। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा था। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की जमकर कुटाई हो रही थी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। बेंगलोर की टीम बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। दिल्ली के द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य की तरफ बेंगलोर की टीम बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही थी। सभी खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते बेंगलोर की टीम ने बड़ी आसानी से दिल्ली के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पा लिया और बेंगलोर की टीम वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे ही सीजन में चैंपियन बन गई।